दोस्तों, एक ऐसा शिव मंदिर जहाँ पर पुजारी नहीं बल्कि स्वयं नाग देवता करते हैं महादेव की पूजा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई मंदिरों में अनोखी कहानी देखी जाती है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके अंदर यानी उन मंदिरों के रहस्य कुछ ऐसे होते हैं जिन पर हमको यकीन नहीं होता। दोस्तों, भारत में बहुत सारे मंदिर हैं जो अपने आप में फेमस है, और ऐसे ही आज एक शिव मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे जहां पर भगवान शिव की पूजा के लिए कोई पुजारी नहीं बल्कि एक सांप शिवलिंग की पूजा करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आया करते हैं। चलिए जानते हैं पूरी घटना क्या है, लेकिन दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक गांव सलेमाबाद में एक प्राचीन शिव मंदिर है जहां शिव की पूजा करने के लिए एक नाग 15 वर्षों से रोज आता है। ये नाग रोज मंदिर में करीब 5 घंटे तक रुकता है और भगवान की पूजा करता है, लेकिन ये क्यों आता है और इसके बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि नाग इस मंदिर में करीब 10 बजे आता है और दोपहर 3 बजे तक लौट जाता है। लोग यहाँ पर इस मंदिर और नाग के दर्शन करने आते हैं और इसको देखकर यही कहा जाता है कि वो शिव भगवान की पूजा करने के लिए आता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को इस सांप से जरा सा भी डर नहीं लगता और ना ही इसने आज तक किसी को डसा या नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से सारे मनोकामना पूरी हो जाती है। वैसे तो इस मंदिर में नाग के प्रवेश के बाद द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी नाग के दर्शन के लिए लोग मंदिर के बाहर खड़े रहते हैं। दोस्तों, सांप के बाहर आने के बाद लोग शिव जी के दर्शन करने चले जाते हैं। उससे पहले मंदिर के द्वार बंद ही रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य रखिएगा। जय महादेव।